दोस्तों आज की इस वीडियो के हम बात करेंगे बी एच बी वर्सेस एम टी आई के बीच होने वाले बाइजूस आसाम टी ट्वेंटी मैच के बारे में सबसे पहले बात कर अपने ऑलराउंडिंग ऑप्शन है तो नंबर वन प्लेयर मेरा रहेगा जिसका नाम आर अहमद जो कि आपको बल्लेबाजी में भी फोर नंबर पे दिख रहा है प्लस आपको बॉलिंग से भी दो से तीन ओवर मिनिमम मिनिमम करके देगा ही देगा आखिरी मैच आपने देखा हाफ सेंचुरी मार करके आ रहा है इससे पहले एक मैच ऐसा भी किया हुआ जहाँ पे इसने चार ओवर बॉलिंग करके चार विकेट भी लिया हुआ है यानी कि सीज़न में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है उसके बाद यहाँ से लेकर के चलूंगा जिसका नाम है एस बरुआ जिसको एक मैच बीच में खिलाया नहीं गया था वहाँ पर उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस भी करके दिया हुआ है एक मैच पहले ही इसने क्लीन शो कराने में बहुत बड़ी मदद किया हुआ है हमें जहाँ पर बहुत कम लोगों ने अपिति में लिया हुआ था आपको दो से तीन ओवर बॉलिंग मिनिमम करके देगा ही देगा प्लस बी की टीम के मैच जीतने के भी चांसेस प्लस आपको बल्लेबाजी में स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है अभिजोत सिंह जो कि आपको एक स्पिनर बॉलर देखो मिलेगा बड़ाक ब्रेव हार्ट की टीम का चार तीन से चार ओवर बॉलिंग पूरा करेगा बल्लेबाजी में सेवन एथ नंबर नजर आएगा बल्लेबाजी से आपको उम्मीद नहीं करना है लेकिन इसने भी पहले ही एक मैच हमें

बी की टीम ने आखिरी हिसाब किसने पाँच मैचेस खेले हुए हैं उसमें तो से चार मैचेस जीत करके आ रही है एक मैच अपना हार करके आ रही है वहीं सामने जो एम की टीम ने आखिरी हिसाब किसने पाँच मैचेस खेले एक मैच जीत करके आ रही, रही है बाकी बचे तो हुए चारों मैचेस हार करके आ रही है वहीं अगर वही मैं आमने सामने के मैचेस की बात करूँ इस सीजन से पहले और इस सीजन में तीन मैचेस हुए तीनों ही मैचेस बी की टीम ने जीते हुए हैं यानी कि बी की टीम के जीतने के नब्बे करीब चांसेस नजर आ रहे हैं तो इसी टीम के प्लेयर्स को हम ज्यादा फोकस करके टीम बनाने वाले हैं वहीं अगर मैं इस मैच के पिच रिपोर्ट की बात करूँ जो ये तो ये जो मैच

मानस टाइगर्स की टीम का यानी कि एम की टीम का सबसे मेन बॉलर है बॉलिंग से तीन चार ओवर पूरा करेगा भले भज में काफी नीचे आएगा दसवें नंबर करीब आखिरी मैच में भी इसको बॉलिंग से एक विकेट मिला हुआ उससे पहले वाले मैच में भी, भी इसको दो विकेट मिले उससे पहले वाले मैच भी इसको तीन विकेट मिले उससे पहले वाले मैच में इसको एक विकेट मिला हुआ है उससे पहले भी इसको दो विकेट मिले हुए थे उससे पहले वाला एक मैच फ्लॉप गया है और उससे पहले भी इसको एक विकेट मिला उससे पहले भी इसको एक विकेट मिला पहले मैच में फ्लॉप है यानी कि ले दे करके दो ही ऐसे मैच गया हुआ इस सीजन के अंदर जहाँ पर ये फ्लॉप गया बाकी बच्चे वो सभी मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करके आया हुआ है तो ले करके जरूर चलूंगा उसका दी रबा जिसको आखिरी मैच में प्लेइंग इलेवन में खिलाया नहीं गया अगर ये खेलेगा तो हंड्रेड परसेंट मैं अपनी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सभी टीमों में लेकर के चलूंगा बल्कि मैं स्मॉल लीग ग्रैंड लीग टीम में ही लेकर के नहीं चलूंगा बल्कि मैं आपको कहूँगा चाहे आप जी चाहे आप ग्रैंड लीग टीम बना रहे हो या फिर स्मॉल लीग टीम बना रहे हो आपके के लिए कैबीसी के लिए भी एक नंबर वन पिक रहेगा कैपेसिटी वाइज कैपेसी के, के लिए भी नंबर वन पिक रहेगा क्योंकि यहाँ पर इसने खेला यहाँ पर भी इसको बॉलिंग से दो विकेट मिला उससे पहले भी इसको बॉलिंग से दो विकेट मिले उससे पहले भी इसको बॉलिंग से पांच विकेट मिले उससे पहले भी इसको बॉलिंग से दो विकेट मिले यहाँ पर भी इसको बॉलिंग से दो विकेट मिले हुआ यहाँ पर भी इसको बॉलिंग से एक विकेट मिला यहाँ पर भी इसको बॉलिंग से तीन विकेट मिले यहाँ पर भी इसको बॉलिंग से दो विकेट मिला यानी कि सीजन में कोई भी ऐसा मैच नहीं है जहाँ पर यह फ्लॉप गया है आखिरी मैच में इसको प्लेइंग इलेवन में खिलाया नहीं गया यानी कि दीर आबा अगर प्लेइंग इलेवन में आपको नजर आए तो बिना कुछ सोचा वन के क्या स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सभी जगह यहाँ से दीर आबाग के साथ जा सकते हो उसका को लेकर चलूंगा क्योंकि बल्लेबाजी में भी तीसरे चौथे नंबर पर नजर आ चल रहा है प्लस आपको तीन ओवर की करीब बॉलिंग भी करके दे रहा है आखिरी मैच में भी इसने तीन ओवर बॉलिंग किया उससे पहले भी तीन ओवर बॉलिंग किया उससे पहले एक मैच ऐसा गया तो जहाँ पर इसको खिलाया नहीं गया था यहाँ पर आप देख सकते हो तो चौहत्तर पॉइंट्स दिला के गया यहाँ पे एक सौ बावन पॉइंट्स दिला के गया हुआ है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मिला करके कहीं ना कहीं कही आपको एक लंबा चौड़ा पॉइंट्स दिला करके जा सकता है यही रीजन है कि एक बार फिर से लेकर के चलने वाला हूँ इसके बाद आपके लिए दो और अच्छे प्लेयर रहेंगे जिसका नाम ऐसे एक हो गई एक हो गई जो कि आपको तीन से चार ओवर बॉलिंग करके देगा आखिरी मैच फ्लॉप हुआ उससे पहले के मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है बाकी मैं आपको कहूँगा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मैच है बी एच बी की टीम जीतने वाली है एम की टीम बुरी तरीके से मैच हार सकती है अगर अगर एम टी आई की टीम पहले बॉलिंग कर रही है मानस टाइगर्स की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो फिर मैं ये गोगाई को लेकर के चलूंगा लेकिन अगर मान लो कि मानस टाइगर की टीम सेकेंड बॉलिंग कर रही हो तो उस कंडीशन में अपनी टीम में लेकर के चल सकता हूँ जिसका मैं यहाँ से एच देखा या फिर यहां से ए शर्मा ये दोनों में से किसी एक प्लेयर को लेकर के चलूंगा अगर बी, बी की टीम पहले बॉलिंग कर रही हो अगर क्योंकि बी की टीम पहले बॉलिंग कर रही होगी तो इसके बॉलर हो सकते हैं दो विकेट के बाद वहां पे हो सकता है कि एम की टीम सौ रन से भी कम बना पाए तो वहां पे हो सकता है कि बी की टीम के एक या फिर दो ही विकेट गिरे और वो इजिली ये मैच जीत जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको बी की टीम जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके बॉलर को अच्छा खासा ध्यान रख के चलना है मैं भी मैं शर्मा को लेकर के चल रहा हूँ आगे बात करेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज कहूँगा की टीम

उतना जरूरी भी है सभी चीजें लाइना पास जाने का, का सबसे पहले शेयर कर दूंगा बात कर अपने ऑप्शन है तो नंबर वन प्लेयर रहेगा रहे राहुल हजारी का इसने पहले एक बैच हमें कुबेरा अल्ट्रा मेगा क्लिस हुआ है जहां पर हमारा एक भी यूजर नहीं आ रहा अब ये कुबेरा का दियोपिक है क्या वहाँ पे पांच प्लेयर्स दिए होते हैं उनमें से किसी एक प्लेयर को चूज करके सेम नॉर्मल फैंटेसी की तरह एक प्लेयर को अपने पूरे पैसे लगाने होते हैं वहाँ पे हमने इस मैच के अंदर राहुल हजारिका को लिया हुआ था तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी करके दिया हुआ है मुझे लगता है कि इस मैच के लिए आपने वन के कैमरा फॉर्मूला स्मॉल इग्रैलिंग सभी जगह के बराकर यहाँ से बेवजाई की टीम का और अर्सर राहुल हजारिका रहने वाला है जो कि बलेज में ओपनिंग करेगा आखिरी मैच से फ्लॉप हुआ लेकिन उससे पहले में भी अच्छी बैलेजी किया उससे पहले में भी अच्छी किया उससे पहले में भी अच्छी बलोर्जी किया यहाँ पर भी अच्छा

छह सात महीनों से आपका पूरा पैसा जो है सिर्फ अस इलेवन से आपको लगा रहे हो उसका सबसे बड़ा रीजन है फैंतीसी की जितने भी एप्लीकेशन आपको सबसे ज्यादा लोअल फीस जो एलेवे चैलेजेस पर ही देखो मिलेगा यहाँ पर मेरे कहने वो आपने हजार रुपये लगाओ बिना हारी आपके सौ रुपये लोगे सिर्फ और सिर्फ फैदरी फीसकोर पे दस हजार रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे कर तो बिना हारे आपके एक हजार रुपये सिर्फ और सिर्फ फेदरी फीस स्कोर पे उसके भी पास आपको चार से पंद्रह परसेंट के बीच बोनस के भी पैसों का यूज करने को मिलेगा एलेवन ऐप का लिंक आपको इसी भी डिस्क्रिप्शन में देखो मिल जाए जबी का भी वहां से डाउनलोड करके आप मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो इस मैच के अंदर मैं अपने पूरे पैसे जो अलेवन चैलेंजेस पे लगाने वाला हूँ मैं भी तुम्हें कैप जो जा रहा हूँ राहुल हजारीका के साथ वी जा रहा हूँ यहाँ से आ रहमत के साथ लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ अगर अगर यहाँ से दी रबा प्लेइंग इले, इलेवन में रहेगा तो आप बिना कुछ सोचे दी रबा को अपनी में ऐसा कैप वीसी लेकर के चलने वाला यानी कि दी रबा को आपको अपनी में वाइज वालों की चॉइस आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करके चलना है उम्मीद है दोस्तों प्ले का पूरा एनालिसिस बता दिया वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो लाइना पानी का माई फाइव टीम से टेलीग्राम से, से जिसका लिंक आपको इसी वीडियो देखो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सकते हैं सबसे सुबह पिन किया हुआ देखने मिल जाएगा उसके अलावा अगर आप इलेवन चली कुबेरा लेकर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम है तो बिना कुछ सोचे हमारे वाले हम एक मैसेज कर देना हमारे का लिंक आपको इसी को डिस्क्रिप्शन घंटे के लिए आपका जो भी होगा उसको सॉल्यूशन करके दे दूंगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक जय हिंद जब दोस्तों मत